नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसरम कार्ड में दो नए अपडेट आए हुए हैं। वो अपडेट क्या है दोस्तों, सारा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मिस्टर बिहारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दोस्तों आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस चैनल पे हमारे इस तरह के रिलेटेड वीडियो जो है आते रहते हैं, इस वजह से आपको सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। और दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस श्रम कार्ड में वो दो नए अपडेट क्या है। दोस्तों, पहला अपडेट जो निकल के आ रही है वो उसका लास्ट डेट कर निकल के आ रही है, और दूसरा अपडेट जो है अब इस श्रम कार्ड कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। पहले क्या होता था कि सीएससी के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से अप्लाई होता था, लेकिन अब नहीं है, विदाउट सीएससी वीएलई भी अप्लाई कर सकता है फिंगरप्रिंट से। तो दोस्तों कैसे, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। और जहाँ तक पहला अपडेट की बात कर ले लास्ट डेट को लेकर के, दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, आपको नहीं घबराना है। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर थे जो पूछ रहे थे कि इसका लास्ट डेट कब है, तो उसको पता लगता था कि 31 दिसंबर 2021 तक ही इसका लास्ट डेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका लास्ट डेट अभी तक कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है। इसका भी लास्ट डेट के लिए अभी आप लोग टेंशन ना लें। और दूसरा अपडेट जो है वो है कि आप कोई भी व्यक्ति सीएससी भली हो या ना हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो किस प्रकार से कर सकता है, चलिए मैं आपको कुछ स्टेप जो है दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं इस श्रम के साइट पे, तो सिंपली यहाँ पे क्या होता था कि आप आधार लिंक मोबाइल नंबर डालते थे और आप कैप्चा डाल करके ओटीपी बेस से बना लेते थे। लेकिन अब जो होगा, विदाउट सीएससी आपको लॉग इन भी नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके, और अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है उस पर फिंगर लगा करके किसी भी कस्टमर का या किसी भी शार्मिक का बना सकते हैं आप योने कार्ड या बोल ईश्रम कार्ड। कोई भी सीएससी का जरूरत नहीं है यहाँ पे। यही दोस्तों दो अपडेट जो है निकल के ईश्रम कार्ड को लेकर के आ रही थी। आप बताइए कि ये दोनों अपडेट आपको कैसा लगा, और नव वर्ष की दोस्तों आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि 1/1/2022 हो गया है, इस वजह से नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।